नमस्कार, एएनएन भारत में आपका स्वागत है और मैं नंदिता आपके साथ। कहीं कयासों पर फुल स्टॉप लग चुका है तो कहीं अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो कोई बीमार है, लेकिन फिलहाल विपक्षी पार्टी की बजाय हालात काबू में है, क्योंकि विपक्ष वाले तो मंच पर ही लड़ने मरने को बेकाबू है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं राजस्थान सियासत की बात कर रही हूँ। राजस्थान पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हम थोड़ी छत्तीसगढ़ पर बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है और वहां भी कांग्रेस में थोड़ी कश्मकश थी जो अब खत्म हो गई है, पर वो राजस्थान कांग्रेस से मैच हो रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ पर बात करना जरूरी है। पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस में कॉमन चीजें देखते हैं और उनकी सिमिलरिटीज पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव के बीच कुर्सी की लड़ाई थी, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर पिछली बार के चुनाव में पहले भूपेश बघेल को, फिर 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव को कुर्सी देने की बात हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके चलते टीएस सिंहदेव ने भी बगावत करने को कहा था, जबकि राजस्थान में सचिन पायलट ने एक बार बगावत कर भी दी थी। अब छत्तीसगढ़ में तो टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बन के राजी हो गए। हो सकता है इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीते तो मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बनाया जाए, इसलिए अभी तो वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मान गए हो। वैसे आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य नहीं है जहां कांग्रेस के दो नेताओं में मुख्यमंत्री पद को लेकर सुलह हो गई है। इससे पहले कर्नाटक में भी सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को कांग्रेस आलाकमान ने समझा दिया था। ऐसे ही कल छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चल रही कुर्सी की लड़ाई को टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाकर सुलझा दिया। आगामी चुनाव को लेकर बुधवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में एक अहम बैठक की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ में पार्टी की प्रभारी कुमारी सेलजा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नाराज चल रही हैं। माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी दूर करने के लिए ही उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। इस बैठक के बाद खड़गे ने एक ट्वीट में लिखा है कि गढ़पो नवा छत्तीसगढ़, ये हमारे लिए केवल कोई नारा नहीं है, छत्तीसगढ़ की उन्नति व सामाजिक न्याय के लिए ध्येय है। छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस में उनका अटूट विश्वास विकास की अविरल धारा के आगे बढ़ता रहेगा। हम मिलकर काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि है तैयार हम, महाराज साहब को मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में दोनों नेताओं की लड़ाई समाप्त होने का कांग्रेस को चुनाव में बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान के दोनों नेताओं के साथ आलाकमान की मीटिंग होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीमार है जिसके चलते अभी मीटिंग हो नहीं पाई। ऐसे में अब गहलोत और पायलट के बीच की कुर्सी की लड़ाई को आलाकमान कैसे सुलझाता है, दोनों में से कौन धीर धरेगा और कौन खीर खाएगा, ये देखने लायक होगा। हो सकता है जनता की पसंद को देखते हुए और युवाओं को मौका देने की रणनीति पर चलते हुए आलाकमान आगामी चुनाव जीतने पर राज्य की बागडोर सचिन को थमा दे। और अभी दोनों नेता हम साथ साथ है का कैप्शन लिखकर एक तस्वीर शेयर करें, जैसे भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव के साथ शेयर की है, और साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाकर राजस्थान में नई रीत बना दे। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में कयास और चर्चाओं का ही आलम है। सब कुछ साफ आलाकमान के साथ मीटिंग होने के बाद ही होगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर भेजें, क्योंकि जनता की राय हमारे लिए काफी महत्व रखती है। राजनीति से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द लेकर आ रही हूँ आपके लिए राजनीति से जुड़ी ताजा और बड़ी खबर। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ एएनएन भारत। नमस्कार।